जनपद सोनभद्र रावर्सगंज में आदर्श इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मृतक डॉक्टर सुरेश यादव को 30/3/2019 को प्रातः 5:35 पर गोलियों से छलनी कर दिया गया था, जिसमें 7 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। ₹7,00,000 की सुपारी मांग की गई थी, जिसमें जटाशंकर द्वारा ₹4,00,000 घटना से पहले दे दिया गया था। पुलिस अधीक्षक सलमान ताजी पाटिल ने बताया कि 2 जगह से यह सरकारी पैसा उठा रहे थे। इसके पहले इनके ऊपर 409, 419, 420 की मुकदमा छात्रवृत्ति घोटाले में चल रही थी, जिसमें संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य जटाशंकर देव पांडे बहुत परेशान थे। जटाशंकर पांडे सुरेश यादव को हटाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे बहुत पहले से ही। उधर राज्यपाल से सम्मानित मृतक डॉक्टर सुरेश यादव की नौकरी 3 साल और बढ़ा भी गई। उस समय जटाशंकर देव पांडे बहुत परेशान होने लगे कि अब हम जेल जरूर जाना पड़ेगा। तो अपने रिश्तेदार विद्यावती देवी पत्नी विजय शंकर चौबे निवासी मुठेर से सौदा हुआ कि हमारे परिचय के लक्ष्मण व उसके भाई राम से सुरेश यादव की हत्या की योजना बनाई गई और जटाशंकर देव पांडे ने ₹4,00,000 लक्ष्मण को घटना से बहुत पहले दे दिया था। गिरफ्तारी अभियुक्त की जटाशंकर देव पांडे पुत्र रामदेव पांडे निवासी वार्ड नंबर 2 हर्ष नगर रावर्सगंज, संदीपुर पाली पुत्र अवध बिहारी शर्मा निवासी गोरडिया रावर्सगंज, श्याम बाबू पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी थाना रावर्सगंज, लक्ष्मण शर्मा पुत्र स्वर्गीय भुवनेश्वर निवासी गोरडिया रावर्सगंज, कुंदन सोनकर पुत्र मिठाई लाल सोनकर निवासी पुसौली रावर्सगंज, काजू शर्मा पुत्र ब्रिजलाल शर्मा निवासी सहिंजन खुर्द रावर्सगंज, अपने को देवी का दर्जा देने वाली महिला विद्यावती देवी पत्नी विजय शंकर चौबे निवासी मुठेर रावर्सगंज, पुलिस टीम प्रभारी स्वाट टीम ब्रजेश सिंह, क्राइम ब्रांच निरीक्षक श्याम बहादुर यादव, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रावर्सगंज नवीन तिवारी, प्रभारी निरीक्षक पन्नूगंज सीपी पांडे, प्रभारी निरीक्षक चोपन प्रवीण सिंह, महिला थाना अध्यक्षक सरोज मां सिंह, उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह, प्रभारी सर्विलांस कांस्टेबल सौरव राय, दिलीप कुमार कश्यप, अमित कुमार सिंह, प्रकाश सिंह, वीरेंद्र कुशवाहा, अंबुज तिवारी, हरकेश यादव, जितेंद्र पांडे, जगदीश मौर्य, वीरेंद्र कुशवाहा। इस पुलिस टीम को हत्या के संगीन अपराध के अनावरण पर पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत किया गया। दिनेश पांडे के साथ किशन पांडे की रिपोर्ट, कोल कोल पोस्ट। 30 मार्च को। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे।